हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मेरे इस आज की वीडियो में। तो गाइस, आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो के थंबनेल देख के आप जान ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। तो गाइस, अगर आप एक पीसी यूज़र हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर है और आप अपने पर्सनल फाइल को हिडन करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो आप किस तरह से उसको छुपाएंगे? तो चलिए गाइस, वीडियो में देखते हैं किस तरह से हम ये ट्रिक यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले गाइस, चले जाना है अपने पीसी में। पीसी ओपन कर लेंगे। पीसी ओपन करने के बाद उस फाइल में जाना है जिस फाइल को आपको हिडन करना है। और एक बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि आप ड्राइव को नहीं कर सकते, ड्राइव को नहीं करना है आपको। आपको जिस फाइल या जिस डॉक्यूमेंट को हिडन करना है उसी पे जाना है आपको। जैसे कि मेरे पास एक फोल्डर है यहाँ पे ऑल वॉलपेपर्स करके, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा वॉलपेपर रखा हुआ है। तो हम इसको हिडन करके देखेंगे, ठीक है, कि ट्रिक यू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आप अपने को राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद में सबसे नीचे आ जाना है प्रॉपर्टीज़ पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हिडन करके, तो यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है एंड अप्लाई एंड जस्ट ओके। और थोड़ा सी ये अपना वो करेगा, उसके बाद ओके। और जैसे कि गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फोल्डर जो है अपना काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है और ये थोड़ा सा इनविजिबल स्टेप सा दिख रहा है। तो गाइस, ये अभी पूरी तरह से हिडन नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं बैक करके दिखा रहा हूँ। फिर से ओपन करते हैं, ये फोल्डर यहीं का यहीं है, आप खोल के भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको पूरी तरह से हिडन करने के लिए गाइस, आपको जाना है अपने ये मैं क्लोज कर दिया रहता हूँ, कंट्रोल पैनल पे, यहाँ पे सर्च बार पे सर्च कर देना कंट्रोल पैनल, यहाँ पे ऊपर आ गया है, जस्ट इसको ओके कर लेना है। और यहाँ पे आने के बाद गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, यहाँ पे जाना है आपको। यहाँ पे जाने के बाद ही ये आपके जो कंप्यूटर है उसमें जो फोल्डर बने हुए होते हैं उनका पूरा सेटिंग या ऑप्शन कहें तो ये सब चीज़ आ चुका है आपके सामने। तो आपको गाइस सबसे पहले व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे आप शो हिडन फाइल फोल्डर एंड ड्राइव, ये ऑप्शन क्लिक है यहाँ पे। तो इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे डोंट शो हिडन फाइल्स फोल्डर आर ड्राइव्स, ये लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं या पर्सनल जो भी चीज़ें हैं उनको छुपाना है। तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे एंड अप्लाई एंड ओके। और आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपका फोल्डर छिप गया है, हिडन हो गया है, देख सकते हैं ऑल वॉलपेपर्स करके जो फोल्डर था वो हमने छिपा दिया है, तो नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह से आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या फोटोज़ वीडियोस जो भी चीज़ें हैं आप अपने कंप्यूटर में छिपा के रख सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब उसको वापस लाते कैसे हैं ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ और फिर से वही हम जाएंगे कंट्रोल पैनल पे, यहाँ पे सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल और स्टार्टिंग में आ गया है कंट्रोल पैनल, इसको ओके कर लेंगे, क्लिक करके ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे फिर से वही फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद फिर वही व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे शो हिडन फाइल फोल्डर ये वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है हमें, ठीक है। इतना करने के बाद अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है और आप देखेंगे कि आपका फोल्डर फिर से वापस आ गया है। तो चलिए गाइस, हम ई ड्राइव पे रखे हुए थे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल वॉलपेपर करके फिर से हमारा फोल्डर वापस आ गया है। तो इसको ये आप देखेंगे कि ये फिर से इनविजिबल टाइप सा है,
तो इसको सिंपली राइट क्लिक करेंगे, फिर से प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये हिडन जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे टिक मार्क लगा हुआ है, उसको आप अनमार्क कर लेंगे और अप्लाई करके ओके कर देंगे। और ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा, उसके बाद ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से हमारा फोल्डर वापस आ गया। ये देखिए, यही वाला फोल्डर हमने हिडन करके रखा हुआ था। तो इसी तरह से गाइस, आप हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट्स या फोटोज़ या वीडियोस हैं या सॉन्ग्स हैं, उसको आप हिडन करके रख सकते हैं। तो गाइस, वीडियो हमारा कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।